So my today's video is on tips and tricks for space race map. Hello friends, a warm welcome to my channel. Please do like, subscribe and press the bell icon. तो चलिए अभी स्पेस मैप हमारा सिलेक्ट हो चुका है. सो नाउ स्पेस मैप हैज बीन सिलेक्टेड एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स. सो लेट्स गो. तो इधर आपको नॉर्मल तरीके से जाना है, जैसे आप नॉर्मल स्पेस रेस मैप में जाते हैं वैसे ही. जैसे जंप करना है तो एक डबल जंप करके ऐसे आपको सीधे जंप कर लेना है. पर अब एक और ट्रिक है मेरे पास. आपको उस स्टोन पे जंप करने की जरूरत नहीं है. सीधे अगर आप एक डबल जंप मारोगे आप सोलर पैनल वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे और वापस आप एक सीधे डबल जंप मारोगे वापस आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे. और जब भी आप सैटर्न रिंग को क्रॉस कर रहे हो हमेशा ध्यान रखना जो डायरेक्शन में एस्ट्रॉइड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको जाना है. अगर एस्ट्रॉइड क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो चलिए अब ये जो फ्लोटिंग टाइल्स है इनके ऊपर जंप करना है और जैसे पास आती है उनके ऊपर डबल जंप कर लेना है. डबल जंप करने के बाद वापस एक डबल जंप एंड यू विल बी इजीली क्वालिफाइड. सो ये मिडल वाला डोर चुनना है. फिर जब आप फर्स्ट वाला डोर है आपको वही चुनना है जो मिडल में है, क्योंकि अगर आप दूसरे से जाओगे तो आपका डायरेक्शन का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आप जल्दी नहीं पहुंच सकते. अगर आप मिडल वाले जाओगे आप जल्दी जल्दी क्वालिफाई हो जाओगे. If you go from the middle one and if the finish point is at the middle point, you can directly jump on the middle point. And if the finish point is on the left and right side, you can easily change the direction. So always use the middle one. अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज. बस लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना है. So for today, I hope it is enough and I hope you enjoyed this video. If yes, then do comment in the comment box below. And please do like, subscribe and press the bell icon so that you can get my every video notification. Love you guys. Thanks for watching. Stay safe and tata. Bye bye.